3 minutes to Budania ji. Only 3 minutes. Bilkul. Mane Sabhapati ji. आज बहुत ही चिंता का विषय है. देश के सामने किसान बहुत संकट में है, बहुत तकलीफ में है, आत्महत्याएं कर रहा है. और आज इस विषय पर हम लोग आज हमारे देश के किसानों की बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से उनकी फसल बर्बाद हो गई, हजारों लोगों ने आत्महत्याएं की हैं हमारे देश के अंदर विभिन्न भागों के अंदर, और 40 मिनट में 40 प्रति 40 मिनट एक व्यक्ति हमारे देश में आत्महत्या कर रहा है. तो मैं ये जानना चाहता हूं सदन से कि जिस भारत के विकसित भारत की कल्पना की जा रही है सरकार के द्वारा और सबके लोगों के द्वारा, तो क्या किसानों की इस प्रकार से आत्महत्याएं होती रहेंगी तो क्या हमारा भारत विकसित होगा? कभी नहीं हो सकता. महोदय, आप मुझे समय दें या न दें, लेकिन राजस्थान का एक सपूत, राजस्थान का वो किसान जिसने तो पूरे 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 देश की आंखें खोल दी, उसने बता दिया कि किसान की हालत इस देश के अंदर क्या है. सभापति जी, वो किसान अपने आत्महत्या अपने गांव में भी कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने के बाद इस देश के अंदर इस देश की सरकार, इस देश की डेमोक्रेसी ये मजबूर हो जाए कि इस उस अन्नदाता की जिसकी बेकदरी हो रही है देश के अंदर, जिसकी चिंता को कोई नहीं देख रहा, उसकी चिंता को दूर करने के लिए मजबूर हो जाए. सभापति महोदय, मैंने अभी एक ट्वीट पर पढ़ा था कि प्रधानमंत्री जी का एक उस पर ट्वीट किया हुआ था कि किसानों के बारे में कि किसान चिंता नहीं करें, मैं उनके साथ खड़ा हूं. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है किसान के साथ खड़े, लेकिन किसान क्या कह रहा है? किसान ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाइए, कुछ कदम उठाइए ऐसे जो कदम जो है उसमें लगे कि किसान जो है वो किसान के आप साथ खड़े हो. आज यदि हिंदुस्तान के अंदर एक भी जगह प्रधानमंत्री जी किसी भी आत्महत्या किए हो उस जगह जाकर के उसके आंसू पूछते तब भी समझ में आता कि वो किसान की बात रखते हैं. इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का कि जिन्होंने एकदम तुरंत कदम उठाया और उन लोगों के बीच में गई जो जिन्होंने किसानों ने आत्महत्याएं की, जिनकी फसलें बर्बाद हो गई. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. सभापति महोदय, आज आत्महत्याएं क्यों हो रही है? आत्महत्याएं इसलिए हो रही है कि समय पर निर्णय नहीं लिए जाते. यदि समय पर निर्णय लिए जाते तो आत्महत्या नहीं होती. समय पर सर्वे होता तो आत्महत्या नहीं होती. तो 3 ही मिनट हुए. हाँ, तो आपको 3 मिनट के लिए कहा था. नहीं, 3 मिनट आपने कहा था, लेकिन मेरा नाम तो सबसे पहले था. अब उसकी तो अब मुझे मुझे मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे बोलने के लिए कहा गया और मुझे 3 मिनट का समय आप दे रहे हैं. आज जो है ये इस बात की जरूरत है कि समय पे निर्णय हो, उचित निर्णय हो. और किसान के जो सर्वे है वो सर्वे बहुत गलत तरीके से हो रहा है. आज किस सर्वे किस प्रकार से हो रहा है, आप तो स्वयं किसान हैं, आपको मालूम है कि किसान का सर्वे कैसे हो रहा है, एक जगह बैठ के सर्वे हो रहा है किसान. तो आज जो है आज ऐसे सर्वे का जो तरीका है वो गलत है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है. आज ये तय होना चाहिए कि एक सप्ताह के अंदर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे सर्वे एक दिन में हो चाहे 2 दिन के अंदर हो. थैंक यू. सभापति महोदय, मैं 30 वर्ष पहले लोकसभा में चुन के आया था राजस्थान से, और इस 30 साल के आज तक के सफर में मैंने कभी नहीं देखा
मैंने कभी सुना नहीं कि राजस्थान का किसान और हरियाणा का किसान आत्महत्या कर रहा है। आपको मालूम है राजस्थान के अंदर तो प्रकृति का प्रकोप पड़ता ही रहता है, किसान जो है जिस प्रकार से मुकाबला करता है, आज तक किसान ने आत्महत्या नहीं की। सत्यमोदय इस वर्ष 43 किसानों ने की हत्या जो है मौत हो चुकी, और जिनके अंदर 43 में से 26 किसानों ने जो आत्महत्याएं की हैं, और 17 किसान जो हैं उन्होंने जो है सदमे से उनकी ओले पड़ने से उनकी जो है क्षति हो गई। महोदय आज हम बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, तो आज जो है किसानों की हम बात कर रहे हैं, तो मैं राजस्थान से चुन के आया हूँ, यदि राजस्थान के बारे में मैं नहीं बोलूँगा तो ये बात ठीक नहीं होगी। महोदय 30 लाख किसान 33% से ऊपर मांग रही है सरकार, जब 30 लाख किसान जो 32% वाले कितने लोग हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो कितने लोगों को जो है आप 30% 35% वाले बात करते हो, तो 30, 31 और 32 वाले की बात कौन करेगा। आज आवश्यकता है इस बात की कि उन लोगों को इतना भी ध्यान देने की आवश्यकता है जो किसान जिस तरह से प्रभावित हुआ है। मैं आपसे जानना कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि आज मजदूर का क्या होगा, सोचा किसी ने मजदूर के बारे में? आज मजदूर के बारे में सोचने की जरूरत है। लाखों लोग, हजारों लोगों के पशु नष्ट हो गए, पशुधन नष्ट हो गया, आज जो है हजारों लोगों के जो है मकान टूट गए। आज जो है जरूरत है लोगों की मदद करने की। सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने माना है कि इतना किसान का खराबा हुआ है, और दिया कितना है सभापति महोदय? कल के अखबार में पढ़ रहा था मैं, राजस्थान पत्रिका जो बहुत ही विश्वसनीय पत्रिका है, उसमें लिखा था कि 750 रुपए का चेक जो है वो किसान को दिया जा रहा है, 750 रुपए का। अब 750 रुपए किसान जिन्होंने लेने से इनकार कर दिया, आपने जले पर नमक छिड़का जा रहा है, ये गलत बात है। मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ, आप मुझे एक दो मिनट और दे दीजिए। आपको 3 मिनट आपने मांगे थे, आप एक दो मिनट दिया आपको समय, आपने कहा था। देखिए किसान की आज चिंता हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखने होगा कि फसल बीमा का क्या प्रावधान है। फसल बीमा जो करने वाली कंपनियां हैं वो किसान को लूट रही हैं, मोदी किसान को लूट रही हैं। वो प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे वो जो SDFC हो, चाहे ICICI हो, चाहे चोलामंडल हो, ये सारी। थैंक यू वेरी मच। अब बहुत बातें हो। अब ये सारी जो है इन कंपनियों से किसान पहुंच के बाहर है। आज ये कंपनियां जो डाटा जो कलेक्ट करती है वो डाटा उनका गोपनीय होता है सभापति महोदय, वो डाटा जब जो बताते हैं वो डाटा किसान को मानना पड़ता है, वो डाटा किसान को मानना पड़ता है, आज किसान को मानना पड़ता है। आज कितना हो गया इनका, जब मौसम विभाग और केंद्र सरकार कहती है सरकार चाहे कोई डाटा बताए, लेकिन जो है वो डाटा मान्य नहीं है, जो कंपनियां कहेंगी वही मान्य है। महोदय मैं परसों राजस्थान गया था मेरे बैठिए, और वहां मैं किसानों से मिला तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा है। पहले जो वहां पर सिर्फ जो है पाला पड़ने की और बरसात होने की सिर्फ बीमा होती है, वहां किसान को जिस प्रकार से बीमा मिलती है आप इसकी, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं। ओके आज मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि फसल बीमा के ऊपर न्यायिक जांच बिठानी जानी चाहिए। बुधानिया जी, और जिस प्रकार से किसान को खाया गया है, वीपी जिस प्रकार से किसान को लूटा गया है, ये बीमा कंपनियां इनकी पोल सामने आएगी। आज जो है जिस प्रकार से 3 दिन, अब मुझे एक बात बताइए सभापति उपाध्यक्ष जी, राजस्थान जैसी जगह में ये कानून बनाया है कि -1 आपको सबको जान के चंबा होगा कि राजस्थान जैसी जगह में -1 लगातार 3 दिन रहेगा, तब जाके बीमा कंपनियां उसका क्लेम मानेंगी। और अब जब भाजपा की सरकार बनी है तो इन्होंने ये प्रावधान भी हटा दिया, अब कह रहे हैं कि -3% -3 डिग्री होगा राजस्थान में, -3 से 2.75,
तब किसान का क्लेम होगा। इससे बड़ी शर्म की बात, इससे बड़ी किसान के साथ जाति की बात सभा उपाध्यक्ष जी क्या हो सकती है। मैं अंत में मांग करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की आत्महत्या किसानों की है, उन किसानों को तुरंत 25-25 लाख की घोषणा करनी चाहिए। यदि आप किसानों को पूछना चाहते हैं, किसानों की जो नष्ट फसल का वास्तविक मूल्य के आधार पर समय सीमा में मुआवजा मिले, ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। किसान की फसल जब बरसात ओले तूफान खराब हो गई है, यू गेव द नेम वेरी लेट एंड यू आर किसान का नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड माफ किया जाए। मैं इसी बात करके नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड सिट डाउन कि एमएसपी को आप जब तक एमएसपी को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक एमएसपी को किसान के ध्यान नहीं देंगे, जब तक उसको यू गेव नेम टुडे एंड यू उसको सब्सिडी नहीं देंगे, जब तक बीज उसका खाद उसका देंगे तो किसान का भला नहीं हो सकता। यही बात नॉट गोइंग ऑन रेकर्ड। मेरी बात समाप्त करता हूँ, आपने समय दिया, धन्यवाद। व्हाट इज इज नरेश सर, माननीय सभापति, यू ऑलवेज स्टैंड अप, व्हाट इज द मैटर? आज जब किसानों पर चर्चा हो रही थी तो माननीय सदस्य संजय राउत जी बोल रहे थे। श्रीमान इस सदन में कभी कभी कुछ मेंबर बोलते हैं जो बहुत अच्छे बोलने लगते हैं, तो हम सभी कहते हैं इनको और समय दे दिया जाए। मैं भी जानता हूँ उस पीठ पे बैठने वाले व्यक्ति पे एक प्रेशर रहता है, क्योंकि समय को मेंटेन करना, मेंबर्स को बुलवाना, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना। शायद उस समय हमारी वरिष्ठ सदस्य जया बच्चन जी ने ये कह दिया कि इनको और समय दे दिया जाए। हो सकता आप उस समय ज़्यादा दबाव में हों। श्रीमान आपके मुँह से निकल गया कि इर्रिस्पॉन्सिबल शब्द आप कह रहे हैं। श्रीमान ये पूरा देश देखता है, विदेशों में भी देखा जाता है, हमने टीवी से पूरे देश को दिखाया है। अब जय बच्चन जी ऐसी सदस्य अच्छा, को ये शब्द लगता ठीक है, मैं समझ गया। श्रीमान मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती हुई अब, है, कहीं ठीक है, अब बैठिए। तो मेरा आपसे अनुरोध अच्छा, है कि अगर उन शब्दों को आप कार्रवाई से निकाल दें, कुछ दो शब्द कह देंगे तो जो दूरा देश देख रहा है ओके जय जी की भी रिस्पेक्ट ओके रहेगी मेरा याद। ओके नरेश जी, थैंक यू फॉर रेसिंग इट। ऑनरेबल जया बच्चन इज ए वेरी रेस्पेक्टेड मेंबर, वेरी ऑनरेबल मेंबर, आई रेस्पेक्ट यूर वेरी मच। आई नेवर मेंट एनीथिंग, आई ओनली सेड आई डिडंट से शी इज इरेस्पॉन्सिबल, आई विल नेवर से दैट। आई ओनली सेड हर स्टेटमेंट इज इरेस्पॉन्सिबल, बट हाउ एवर इफ इट हर्ट हर आई एक्सपेंच that part of it.